गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित व्लॉग। सो दिन की शुरुआत हो गई है एंड आज है थर्सडे एंड आज मैंने चीकू को स्कूल नहीं भेजा है गाइस, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी आंख नहीं खुली थी सुबह एंड वो भी नहीं उठ रही थी। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, एक दिन का ऑफ कर देते हैं। एंड थर्सडे उसके स्कूल में ना ज़्यादातर डांस, म्यूज़िक, ये सब ज़्यादा क्लासेस होती हैं। तो बस मैं यहाँ पर बात लेने जा रही हूँ। तो बात लेने के बाद बस मैंने देखा कि चीकू जो है फ़ोन में लग गई थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने इसलिए तो छुट्टी नहीं करवाई थी ना आपकी कि आप फ़ोन देखो। तो मैंने उसको गुस्सा भी कर दिया था थोड़ा। तो यहाँ पर बस मैंने कॉम करी एंड इतने ज़्यादा टैंगल्स हो गए थे गाइस बालों में ना कि कॉम नहीं हो पा रही थी। बस मैं अपनी स्किन को यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले टोनर लगाया, उसके बाद मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लगाती हूँ, जो कि समर्स में गाइस मस्ट है। सनस्क्रीन के बिना तो आप रहिए ही नहीं, ना इंडोर ना आउटडोर। आउटडोर जाओ तो ज़रूरी लगाना है एंड इंडोर भी लगाना ही है। तो यहाँ पे मैं मामा अर्थ का जो है ना लिप बाम लगा रही हूँ, बिकॉज मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं आजकल, समझ नहीं आ रहा। जबकि मैं वाटर भी ऑलमोस्ट 2 लीटर पी ही रही हूँ, मतलब पर डे मेरा 2 लीटर तो हो ही रहा है, मतलब 1.5 से 2 लीटर तो आराम से। उसके बाद बस लग गए अपने डेली के काम पे, ब्लैंकेट्स फोल्ड करना, बेडशीट ठीक करना। तो यहाँ पर ना क्या कहते हैं, मैं बेडशीट इस चीज को ना चेंज करने का पहले सोच रही थी, बट फिर क्या था कि हस्बैंड ऑफिस के लिए ना लेट हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था ना आज सब कुछ। जैसे मैंने आपको बताया तो वो बात ले चुके थे, पूजा वही करते हैं मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादातर, कभी कभी मैं कर देती हूँ अगर वो ज़्यादा ही लेट हो जाते हैं, अदरवाइज हस्बैंड ही करते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने बेडशीट नहीं चेंज करी और यहाँ पर सारा ना खलेरा मचा हुआ था, बैग फैला हुआ था चीकू का, बिकॉज एक दिन रात को मैंने उसको स्टडी करवाई थी। तो मैं वैसे उसको हैबिट डालती हूँ कि सारी चीज़ें वो खुद से वापस रख दे, बट समटाइम्स बच्चे नहीं रखते, थक जाते हैं। तो यहाँ पर एक दिन पहले मैंने कपड़े सारे फोल्ड करे थे, बस वो अलमीराज में जो असेंबल करना है। तो जैसे मैं ये बैग रखने आई हूँ, रख के थोड़ी देर बाद ही उसने वापस निकाल ली चीज़ें और फिर इसने मेरे से डांट खाई। मतलब बच्चों का क्या हो गया है ना, घर पे रहते हैं तो बिना डांट खाए वो रह ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप कंपार्टमेंट्स देख सकते हो, ये मैंने अमेजोन से ऑनलाइन मंगवाए थे गाइज, तो ये काफ़ी सही लगते हैं मुझे, इनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं। तो ये है हस्बैंड और मेरे कपड़े। अब मैं इन कपड़ों को जो है फोल्ड करके अच्छे से एंड दूसरे रूम में लेकर जाऊंगी, तो वहाँ पर बस इनको फिर अपनी अपनी अलमीराज में जो असेंबल करूंगी। तो थोड़े थोड़े करके मैं यहाँ पे कपड़े लेकर जा रही हूँ एंड उसके बाद ये बच्चों का जो रूम है उसकी बेडशीट मैं झाड़ के अच्छे से और उसको सेट कर दूंगी। मतलब सुबह के टाइम पे गाइस इतने सारे काम हो जाते हैं एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो हम वुमेन्स के लिए पूरा दिन में ही इतने काम होते हैं, भले ही हाउस हेल्पर्स 10 काम करें लेकिन उसके बाद भी 100 काम हमारे ऊपर ही होते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, ये कुछ मैंने कैप्सिकम, अनियन, टमाटो, ये सब जो है मैं इनको बारीक कट लूँ, मतलब चॉप कर लूँगी, काट कर तो मेड ही चली गई थी। एंड उसके वहाँ पर मैंने आधे घंटे पहले ना सूजी और बेसन का बैटर बना के रखा था, तो आज मैं चीले बनाऊँगी। एंड गाइस चीले ना मुझे काफ़ी पसंद हैं, प्लस अगर आप वेट लॉस पे हो तो फिर आप ज़रूर खाओ चीले, काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं एंड इनमें प्रोटीन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप ज़रूर खाइए। तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, सारी वेजिटेबल्स डाल दिए एंड इसके बाद कुछ बेसिक मसाले डालूंगी मैं। एंड ना थोड़ा सा मेरे से पानी ज़्यादा हो गया था, तो ज़्यादा ना ये पतला हो गया बैटर, तो हल्दी डाली है, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, तो ये सब अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ना मतलब पतला हो गया बैटर, बट बन गए थे ठीक ठाक चीले, बस थोड़े से चिपक रहे थे। उसके बाद मैंने ये नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लिया है, तवा है सॉरी, इस पर बस ग्रीस करके एंड उस पर जो है मैं बैटर डाल दूंगी एंड इसको अच्छे से राउंड शेप दे देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल राउंड शेप नहीं आती है चीले की, तो लेकिन समटाइम्स आ ही जाती है, कैमरा देख के चीले भी मेहरबान हो जाते हैं कि चलो यार हम थोड़ा गोल बन ही जाते हैं, अदरवाइज़ मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए जो है बस 2 चीले मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो सेकंड वाला तो थोड़ा सा ना जल भी गया था क्योंकि मैं कुछ और काम करने लग गई थी, तो साथ ही बस मैंने ये चाय भी रख दी, इलायची वाली चाय। आजकल मुझे इलायची वाली चाय काफ़ी अच्छी लग रही है एंड चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, चाय के बिना तो मॉर्निंग अधूरी होती है। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। सो बस अब मैं आराम से जो है अपना ब्रेकफास्ट करूँगी गाइस। ये टाइम होता है क्योंकि अब जैसे चीकू अगर स्कूल में होती है तो फिर तो थोड़ा ज़्यादा रिलीफ होता है, आज जैसे कि वो घर पर है तो उसको भी मुझे बीच बीच में कुछ ना कुछ खाने को देना हो रहा है, उसको देखना पड़ रहा है, अदरवाइज बच्चे क्या होते हैं ना फोन के पीछे लग जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अब आराम से अपना ब्रेकफास्ट करूंगी एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने 10-15 मिनट जो है रेस्ट करा थोड़ा सा, क्योंकि रेस्ट भी क्या ही हो पता है गाइस, सर पे अगर आपके पता होता है कि बहुत सारे काम पेंडिंग है तो वो फिर आप रेस्ट नहीं कर पाते, फिर आप यही सोचते हो कि काम फटाफट फटाफट जो है फिनिश हो जाए। तो यहाँ पर बस जो है मैं आ गई हूँ आनवी को लेके उसके दादू दादी के रूम से एंड इसका मैंने डेली रूटीन बना लिया है। पहले क्या हो रहा था कि मैं 2-2, 3-3 दिन में ना बाथ इसको देती थी, स्पॉन्ज बाथ दे देती थी, लेकिन अब जैसे समर्स आ गए तो मैं डेली ही इसको मसाज कर देती हूँ एंड पहले मैं विंटर्स में ना रात को करती थी,
की मसाज, पर मैं मॉर्निंग में ही कर देती हूँ। जैसे 9:30 बजे करीब मैंने इसकी मसाज करी, एंड उसके बाद जो है हाफ एन आवर या 45 मिनट्स तक इसको मसाज, मतलब ऑयल ना लगे रहना चाहिए इतनी देर तक बॉडी पे, जिससे कि अच्छे से बॉडी अब्जॉर्ब कर ले ऑयल को। एंड आजकल मैं ये डाबर लाल से जो है कर रही हूँ मसाज आनवी की, मैं चीकू की भी इसी से ही करती थी, तो बस ये थोड़ा बहुत रोने भी लग गई है अभी, तो बस उसकी मसाज मैंने कर दी थी। तो यहाँ पर बस मैं चीकू ने बात लिया है अपने आप, आजकल वो बात लेने लगी है, तो इसको बस मैं कपड़े पहना रही हूँ। खैर इन चीज़ों में ये चीकू बहुत समझदार हो गई है। बता दो गाइस को कि आपने अपने आप नहीं नहीं करी है। नहीं और मैं बिग सिस्टर हो गई हूँ। कर एंड गाइस इसने जो नहीं नहीं करी है ना, मैं आपको बताती हूँ, इसने मतलब ये स्कूल से आके डेली अपने आप जो है बात ले रही है आजकल, ठीक है? क्योंकि मॉर्निंग में समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि मैं जल्दबाजी में इसको बात नहीं दे पाती हूँ क्योंकि लेट हो जाती है ना ये। इधर आओ और फैन ऑन कर दो। ओके तो इस वजह से ये आफ्टरनून में आती है, थोड़ी देर मतलब थोड़ा देर रेस्ट करती। बेटा वो राउंड वाले के साथ, हाँ राउंड वाले के साथ, हाँ। तो इसलिए ये स्कूल से आके खुद बात लेती है, लेकिन इसने मतलब ये 3 दिन से करना स्टार्ट करा है। पहले अदरवाइज मैं ही नहीं लाती थी इसको स्कूल से आके, मॉर्निंग में भी कभी कभी अगर टाइम मिलता है नहा लेती है, अदरवाइज मैं इसको मुंह हाथ पर अच्छे से वॉश करा के भेजती हूँ, ब्रश वगैरह कराती हूँ, क्योंकि इस मॉर्निंग में इनको उठाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर अभी भी ये देख ली अपना लोशन लगा रही है, एंड मैं बताती हूँ आपको शैम्पू और सोप इसने बिल्कुल खत्म कर दिया है गाइस। अब बचा है ये लोशन, तो आई थिंक ये कह रही है कि मम्मा मैं लोशन भी खुद से लगाऊंगी, तो आई थिंक ये लोशन भी खत्म होने वाला है। बता दूं गाइस को। अनाज आप स्कूल क्यों नहीं गए हो? इसे क्योंकि बस ये अब इसके एक्सक्यूजेस भी होने लग गया है गाइस। ये बोलती है मॉर्निंग में जब स्कूल के लिए कि आज मेरे टमी में, आज मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, आज मेरे को हेडेक हो रहा है मम्मा, आज मेरे टीथ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हैंड में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब अब इसके एक्सक्यूजेस भी स्टार्ट हो गए हैं। एंड गाइस ठीक है, मैं इसको ना जैसे 1 अप्रैल से इसके स्कूल ओपन हुए थे, मैं इसको रेगुलरली गई है, आज ही मैंने इसका ऑफ करवाया है जस्ट बिकॉज, क्योंकि आज सुबह मैं भी नहीं उठ पाई थी जल्दी। और क्या गाइस कहते आपको पता है, आपने देखा था ना, हम ना कल वृंदावन गए थे। मैंने हैं, कल नहीं गए थे बेटा, आपको उसको टाइम हो गया, 2 वीक्स हो चुके हैं। इधर वो लोशन कहाँ लगा दिया आपने? आज भी क्या करा है बेटा आपने? आपको मना करा हुआ है ना मैंने कि अपने आप नहीं लगाना है, आपने हेयर में क्यों लगा लिया? अभी शैम्पू करा है शैम्पू ये बेटा, ये लो ये रखे हो। सो फिलहाल यही है गाइस, अभी आनवी की जो है मैंने मसाज करवाई थी, इतने इसने बात ले लिया, तो इसको बस मैंने क्लोथ्स जो है वेयर करे हैं। एंड अब मैं जा रही हूँ लंच प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अब वो सो गई है, मालिश करने के बाद एक्चुअली वो सो जाती है, उसका उल्टा सिस्टम है। गाइस एक बेबी लोशन होता है, मतलब हम ये सारा दिन मुझे लगाती रहती है, सारा दिन लगाती रहती है। तो मतलब आनवी का उल्टा है, वो मसाज लेने के बाद सो जाती है। अब वो जब तक मैं लंच प्रिपेयर कर दूंगी, क्योंकि मुझे सब्जी बनानी है आज, मैं बनाऊंगी चप्पल कद्दू, जिसको पता है चप्पल कद्दू कहते हैं कि चप्पल कद्दू कहते हैं, बट वो मेरे को बहुत पसंद है एंड मेरे हस्बैंड को पसंद है। हस्बैंड के लिए सुबह मैंने पनीर बना दिया था, क्योंकि वो नहीं खाते हैं। एंड बस अभी जो है मैं जा रही हूँ ये करने के लिए। बेबी आप अपना होमवर्क कर लो, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बताया कि आज मुझे टिंडे की सब्जी बनानी है, सॉरी टिंडे नहीं है, चप्पल कद्दू है। सो बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, एंड उसके बाद ऑयल डालूंगी। एंड ये ना मैं गाइस सौंफ में बनाती हूँ, सौंफ में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी एक अरोमा आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे हींग डाल दिया, टमाटोज डाल दिए, मेरे को हरी मिर्ची भी डालनी थी बट वो मेड से मैंने चॉप नहीं करवाई, मैं खुद चॉप करती नहीं हूँ बिकॉज मेरे को फिर जलन होने लगती है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक नमक मिर्ची हल्दी धनिया पाउडर ये सब डाल दिया, कस्तूरी मेथी एंड थोड़ी सी रेड
जो लाल कश्मीरी मिर्च होती है कलर वाली वो डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी मिला के मसाले को अच्छे से मिला देंगे जिससे कि मसाले लगे नहीं। तो बस अच्छे से पकाएंगे टमाटो जब तक कि मैश ना हो जाए, अच्छे से गल ना जाए। एंड आँच को मैंने कम ही कर दिया क्योंकि मसाला लग जाएगा। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है चप्पल कद्दू जो काटे हुए थे अच्छे से। तो यहाँ पर इसको मिक्स करने के बाद एंड मैं इसको जो है सारे जिससे कि मसाले कोट कर लें एंड इसको मैंने कवर कर दिया। एंड 10-15 मिनट बाद ही, मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद ही ये बन गए थे अच्छे से, जल्दी बन जाते हैं। ऊपर से मैंने धनिया डाल दिया तो हमारी ये यम्मी सी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। सब्जी बनाते बनाते ही जो है आनवी भी उठ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इसको टाइम से नहला देती हूँ। तो मैंने इसको बात कराया, तो बात कराते टाइम तो अब ये रोती नहीं है, लेकिन हाँ कपड़े पहनते टाइम ये ज़रूर रोती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा इसके साथ मस्ती करते रहना पड़ता है जिससे कि ये रोए नहीं। एंड बच्चों का होता ही है गाइज, आपको उनसे बातें करते करते ही मसाज करनी पड़ती है, बातें करते करते ही उनको जो है कपड़े बनाने पड़ते हैं, बात देना पड़ता है। अदरवाइज उनसे बात नहीं करोगे तो वो रोने लग जाते हैं। तो मैं इसको जो है हिमालय, मतलब मैं दोनों ही बेटी को हिमालय के ही प्रोडक्ट सारे यूज करती हूँ। तो बस अभी मैं लोशन लगा दूंगी। आजकल मैंने थोड़े टाइम पहले से, मतलब 1-1.5 महीने से पहले से ही किलकैरी देना, जो कैरी बोलते हैं शायद इसको, मुझे ना इसका नेम प्रोनाउंस करना ठीक से आता नहीं है, तो बस ये दे रही हूँ। दो बार मैं देती हूँ, दो दो टेबलेट्स। एंड ये मल्टी विटामिन है, विटामिन D3। एंड साथ में मैं टेस्टोस्टेरोन का यह सिरप आता है आयरन का, ये अभी 10-15 दिन पहले से ही मैंने देना स्टार्ट करा है बिकॉज डॉक्टर ने अभी बोला था देने के लिए। तो बस ये तीनों चीज़ें हैं जो मैं अभी दे रही, बिकॉज मुझे काफ़ी कमेंट्स आते थे कि आप आनवी को कौन कौन सी मेडिसिन देते हो अभी। तो ये तीन चीज़ें हैं जो अभी मैं इसको दे रही हूँ फिलहाल। एंड उसके बाद बस पाउडर वगैरह थोड़ा सा लगाया है एंड ये कपड़े मैं पहना दूंगी। एंड मैं डायपर नहीं पहना रही हूँ गाइज क्योंकि समर्स आ गया, तो डायपर्स मैं अभी अवॉइड ही कर रही हूँ। मेनली मैं रात को ही पहनाती हूँ डायपर। शोनू देखो इन दोनों की इस तरीके से जो है मस्ती चलती है। बुलाओ ना चिकू इसको अपने पास, आवाज मारो, निकू काम, निकू काम, आओ, वेरी गुड, काम, आजो इधर आओ, आनवी अब थोड़े टाइम बाद ये सारी चीजों की शामत आने वाली है। फिर वो आएगी। आ, 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 आ,
ठीक है, आपको पता अभी इसी रॉकर में, वो रॉकर कह रही इसी वॉकर में। हाँ वो बेबी सारे टूट गए, ये आपका वॉकर है, आप भी तो इसमें भागते होते थे। हाँ गाइस, बस बारी आ गई है लंच की। लंच में है तड़के वाली छाछ, रोटी, दाल एंड साथ में है ये सब्जी जो कि मैंने मॉर्निंग में बनाई थी। सो मैं करती हूँ अपना लंच एंजॉय एंड अनवी को देखो जरा गाइस। सो फ्रेंड्स, लंच करने के बाद आ गई हूँ किचन में एंड बना रही हूँ अनवी के लिए लंच, जिसमें मैंने थोड़ी सी राइस लिया है, येलो मूंग दाल लिया है, छिलके वाली मूंग दाल ली है। तो इसको मैंने अच्छे से जो है रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे, जिससे कि थोड़ा दरदरा हो जाइए, क्योंकि ज्यादा मोटा मोटा फिर बच्चों से ना सटका नहीं जाता है, गल्प नहीं करा जाएगा। उसके बाद 5 मिनट इसको जो है हम सोक कर लेंगे, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। कुकर लिया है, घी, देसी घी डाला है, जीरा डाला है, खिचड़ी डाल दी, उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया। एंड इसमें हम 3 विसल्स लगवाएंगे, 3 to 4 मैक्सिमम। तो उसके बाद जो है हमारी खिचड़ी ये बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी एंड कुछ इस तरीके की जो है कंसिस्टेंसी बनकर रहेगी। इसमें आपने पानी की जो लेवल है थोड़ा सा ज्यादा ही रखना है, जिससे कि ये पतली पतली बने। सो ये काफी बेनिफिशियल और हेल्दी है बच्चों के लिए, तो आप जरूर ट्राई करना। एंड ये है मेरा आज का ब्लॉग गाइज, आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, जिसने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।